प्यारे बच्चों नमस्कार। नमस्कार। बेटा ये आपकी हैप्पीनेस क्लास है। यस सर। और हैप्पीनेस क्लास लेते हुए करीब आपको एक महीना हो चुका है। यस सर। इस एक महीने की क्लास में हमने जो कुछ सीखा, माइंडफुलनेस किया, कहानियाँ सुनी, गतिविधियाँ की, बहुत सारी हमने आपको कहानियाँ सुनाई, बहुत सारे हमने चिंतन के प्रश्न किए, उन्हीं कहानियाँ, उन माइंडफुलनेस, इन सब क्लासों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या एक महीने की क्लास हमारी सार्थक रही या सार्थक नहीं रही, इन सब चीज़ों पे आइए हम चर्चा करते हैं। आप लोगों से पूछेंगे कि आप मैं को हैप्पीनेस क्लास से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम पूछते हैं महबूब रजा से। महबूब रजा खड़े होंगे और इसका आंसर देंगे। हाँ महबूब रजा बताइए कि आपके आप हैप्पीनेस क्लास लेने से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। मेरा नाम महबूब रजा है, मैं 7th का छात्र हूँ। पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, अब मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है। पहले मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, अब मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है। पहले मैं अपने परिवार में बड़ों से तू तड़क से बात करता था, अब मैं उनसे सही से बात करता हूँ। अब मैंने जिद करना छोड़ दिया है। ये सब प्रभाव मेरे जीवन में हैप्पीनेस क्लास से हुआ है। बोलिए बेटा। मेरा नाम ऋषि है, मैं 7th का छात्र हूँ। मैंने हैप्पीनेस अपने सर हमारे सर हैप्पीनेस कराते थे। मैंने हैप्पीनेस की बहुत चीज़ें सीखी हैं। हम हैप्पीनेस में माइंडफुलनेस करते थे। माइंडफुलनेस से हमारी आँखें और हमें पढ़ने में ध्यान मिलता था। और हम पहले परिवार में बड़ों से तू तड़ाक और उनकी सीधे बातें करते थे और हम उनसे ढंग से बातें नहीं करते थे। हैप्पीनेस की वजह से हम उनसे अच्छे से बातें कर पाते हैं और हमारे सर हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ और तरह तरह की स्टोरी सुनाते हैं और हम खेल कूद भी करते हैं। हैप्पीनेस में हम अपने बड़ों और अपने मित्रों से प्रेम से बातें करते हैं। ये सब प्रभाव हमें हैप्पीनेस से ही मिला है। हाय मेरा नाम है चंदन, मैं 7th का छात्र हूँ। मुझे हैप्पीनेस क्लास से अच्छी अच्छी कहानियाँ सीखने को मिली है। सर हमारे सर बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाते हैं। मेरे जीवन में हैप्पीनेस क्लास से प्रभाव कि मैं अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ अब। पहले मैं बहुत दिक्कत